नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। नगर पालिका के उपचुनाव चल रहे हैं, जिसमें पार्षद पद के चुनाव के लिए भाजपा ने अपना कैंडिडेट रमेश मिल को बनाया है, तो वहीं निर्दलीय रूप से हेमलता सितारा चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना हाथ खींच लिया था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा इस चुनाव की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पोलिंग बूथ लूसन के बगीचे एवं मांगल के भवन कैंट में बनाया गया है, जहाँ पर वोटिंग कराई जा रही है। बारिश होने के कारण थोड़ी वोटिंग धीमी चल रही है। अभी तक कितने वोट जल चुके हैं यहाँ पर? ये दो दो घंटे की जानकारी आती है, 7 से 11 में कुल 96 मतदाताओं के मत डल चुके हैं। कुल 96? हाँ। टोटल वोटिंग कितनी है यहाँ पर? टोटल है 654। अभी हाँ। जो आप देख रहे हैं, तो आप कौन सा वाला वोट देख रहे हैं? ये है 163 मतदान केंद्र। 163 मतदान केंद्र। सुबह से कितने बजे से शुरू हुई थी यहाँ पर? 7 बजे से। 7 बजे से शुरू हुई थी। कितने बजे तक चलेगी वो? 5 बजे तक। 5 बजे तक चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा पी के रघुवंशी बी एल ओ। हेमलता सितारा। बढ़िया चल रहा है अभी मेरा राज सितारा जी। बिल्कुल बोलना चाहेंगे, जो पिछले यहाँ के पार्षद थे उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया अभी तक, इसलिए भैया ने पहल रखी और निर्दलीय खड़े हुए, उनको अच्छा रिस्पांस मिला और जीतेंगे। आज यहाँ पर 8-30 की नगर पालिका के पार्षद के उपचुनाव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गुना नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 पार्षद पद का उपचुनाव आज 11 सितंबर को हो रहा है। इस चुनाव में हमारे बूथ के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे सभी गुना जिले के वरिष्ठ नेतागण और पूरा संगठन इस चुनाव में दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहा है, और मुझे आशा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस तो मैदान में नहीं है, किंतु उनके समर्थित उम्मीदवार जो है उसकी जमानत जब्त होगी। गोपाल आचार्य, जिला संगठन प्रभारी, भाजपा जिला गुना। बस काम सब अच्छा करे। सब अच्छा काम करे। हाँ। ये जो भी पार्षद करा रहा है, जो भी नया पार्षद है, इसकी और हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ में कुछ काम ही नहीं हो रहा। हमारी गली में है नाली है, सुपर कम से कम 25 साल की ऐसी रह गई। सब ही परेशान हो रहे हैं हम तो है? नाली को नाली इधर इधर जाने आती, नाली उधर उधर पहुँचा रहे हैं। नाली को पानी इधर होता है और इधर तो नहीं जा, उल्ट पहुँच उल्ट पहुँचा उल्ट पहुँचा रहा है। यही सोचिए कि हम गली में काम करवाए। हाँ, गली में काम होना चाहिए। हाँ, तो हमें नाली और बन जाए और कीचड़ फेंकते हैं हम झाड़ू लगा लगा का कहते हैं, और भाई हमें द्वार में पानी रोकते हैं, ना कड़ंजा है ना कचू लगा कहते हैं को। हाँ, अभी किस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि ये उपचुनाव है पार्षद के, इससे पहले भी एक बार ये आपके जो कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ चुके हैं? हमारे जो कैंडिडेट है एक बार पार्षद बन चुके हैं, दोबारा में फिर निर्विरोध भी जीते थे। इसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे भाजपा के ही दूसरे पार्षद बने थे, और चूँकि उनकी सर्विस लग गई इसलिए दोबारा उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में सभी लोग पूरी एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेगा। क्या होता है, कोई भी पार्षद हो 100% काम कोई नहीं करा पाता, और किसी भी नेता के प्रति आप कहीं बात करोगे तो नकारात्मकता मिलेगी। एक जनता की प्रवृत्ति है, जितना बनता उतना काम करते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, नगर पालिका किसकी बनी हुई है, अध्यक्ष किससे कैसे संबंध है, कई बात कई कारण रहते हैं, इसमें नहीं जाना चाहता। बाकी हमारा उम्मीदवार चूँकि आदिवासी वार्ड है और आदिवासियों की स्थिति आप समझते हैं कि आज हमारे भारत के अंदर किस प्रकार से है, तो जिस स्तर से वो लोग हैं उतना काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी कैंडिडेट से कोई मतलब, पूरी भारतीय जनता पार्टी लग रही है और मतदाताओं से कहा गया है अगर वो नहीं भी सुनेंगे तो हम एक एक कार्यकर्ता बाढ़ के लोगों के काम करेंगे। बाढ़ वाले से यही अनुरोध है, चूँकि प्रदेश में सरकार है, विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं,
और वार्ड में काम जब ही होंगे, जब पार्षद भी हमारी सरकार का हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, निश्चित रूप से काम करेंगे और सारे लोग आश्वासन दे रहे हैं और इस बार जो समस्या रही भी है वो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जी सर, लेकिन को लेके आप जो चुनाव लड़ रहे हैं? सर बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपका वोटिंग अच्छी चल रही है। वोट डाल रहे हैं, बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए वार्ड में भी बदलाव हो, देश दुनिया में बदलाव हो, इसलिए आज हम यहाँ वोट डालने आए हैं। अरे साहब, परिवर्तन की लहर है, क्यों चिंता कर रहे? वार्ड नंबर 35 का पार्षद होके परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। हाँ, जनता ने अपना मन बना लिया है। अब तो सब बढ़िया व्यवस्था चल रही है और जनता आ रही है, अभी करीब 13% वोटिंग हो गई है पूरे वार्ड में मिला करके, तो आ रही जनता, बारिश चल रहा है, इसके बाद भी जनता आ रही है, जागरूक है जनता। आज गुना नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 30 के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस उपचुनाव में जहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती दी है निर्दलीय रूप से हेमलता सितारा ने, वो चुनाव में भले कही है उनका चुनाव चिन्ह कुछ भी हो लेकिन उन्होंने आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की भाजपा को चुनौती दे दी है। और जब प्रदेश की भाजपा, जिले की भाजपा यहाँ एक एक घर पे वोटिंग कराने के लिए आ रही है, ऐसे में उनका एक बेटा हेमलता सितारा का, जिसका नाम है विक्की सितारा, वो अपने आप में खुद मेहनत कर रहा है। आइए हम बात करते हैं विक्की सितारा। विक्की भाई, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो इस छोटे से चुनाव में, जहाँ 4161 वोटर है जी, और पूरी भाजपा और आप एक निर्दलीय जी, किस तरीके से फील कर रहे हैं? फील तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, जो स्थितियाँ हैं, ऐसा चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, ये इतने बड़े स्तर पे चुनौतियाँ मिल रही हैं अपन को पूरी बीजेपी पार्टी से। पर जनता जनार्दन मेरे साथ है, मेरे वार्डवासी मेरे साथ हैं, जो मुझे चुनाव में शक्ति दे रहे हैं वो मेरे वार्डवासी हैं। आज मतदान चल रहा है, आज मतदान चल रहा है, मतदान में रुझान हो रहा है, लोगों का उत्साह है, आप क्या उम्मीद लेके मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? पहले तो मैं बता दूँ, 10 से 15 साल हो गए हैं हमारे वार्ड में, जो कि एक लावारिस की तरह छोड़ के रखा है नगर पालिका ने। अभी स्थितियाँ आप गली गली में जाके देखोगे तो नालियाँ जाम है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, खम्भों की लाइट गोल है, पर अभी कुछ चुनाव आते थे ही 4-5 दिनों में साफ सफाई, नाली की सफाई, लाइट, हर एक लाइट जला दी है इनने, पर मतदाता है सब जानता है, शासन है, मतदाता है, प्रशासन है, इस बीच में शासन, मतदाता और प्रशासन के बीच में चुनाव कैसा दिखता है? मैं निर्वाचन पे पूरा भरोसा करता हूँ और सारे जो भी मेरे साथी गण हैं वो मेरे साथ हैं, परिणाम आने के बाद पता चलेगा जो भी है। चलिएगा, ये अक्षत न्यूज़ के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ लोकेंद्र ठाकुर जी की तरफ से कि ये आश्वस्त हैं अपने लिए कि मतदाताओं पे इनको विश्वास है और मतदाता ही निर्णायक भूमिका देंगे, प्रशासन पे भी इनको विश्वास है। क्रमांक 30 के मतदाता हैं, क्या यहाँ वोटिंग करने आए हैं? वोटिंग करने आए। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है इस टाइम पे। नहीं तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, वोटिंग ठीक चल रही है? प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है लेकिन इस कारण वोट डाल रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है वार्ड में। क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? सफाई नहीं होती, नाली जाम हो जाती है, घर से झाड़ू फेंकने। आप मतदाता हैं? मतदाता है। ये मतदाता है जो कह रहे हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं रमेश भील, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। रमेश जी, हाँ, जैसे अभी एक
आप ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका जी, इसके बावजूद मतदाता ये कह रहे हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है जी नहीं है। मैं आपको पूर्व बताऊँ साहब, पूर्व में जो हमारे गांव भैया थे वो नौकरी चले गए, तो दो साल में उनकी कमियाँ मैं पूरी करूँ। जैसे अभी आप बताया जगदीश केवड़ जी ने कि हमारी नाली हम खुद साफ करते हैं, इनकी नाली करके जाके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको कुटी दी भाई साहब, बिल्कुल इनका विकास कर रहा है बिल्कुल और कोई विकास में कमी नहीं आने दे रहा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित विकास करती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नगर पालिका की। नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके द्वारा इस बार 30 में क्या विकास किए गए हैं पिछले 2.5 साल में? देखो विकास तो सब हो रहा है, नाली गली सब बन रही है साहब, कोई कमी नहीं आ रही है। सलूजा भाई साहब ने भी बहुत जोर से काम करा। मैं सलूजा भाई साहब की बात नहीं कर रहा, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर रहा। अभी खूब नाली रोड आप देखो सब पूरी रोड़े भी बनी है, यहाँ खाली अभी, नहीं अभी मेरे बीच में कुछ मतदाता भी है। हाँ। ये भी मतदाता है भाई। हाँ। पिछले 2 साल में जी कोई काम हुए कि इस वार्ड में? बिल्कुल इस वार्ड में कोई काम नहीं हुए है, ये सिर्फ इनकी खोखली बातें हैं, सिर्फ घुमाने वाली है। अभी जो वोटिंग हो रही इसलिए काम करवाने लगे, बाकी कोई भी शकल दिखाने नहीं आता था। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, फिर विकास क्यों नहीं हुआ इस वार्ड में? विकास क्या, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे जो पार्षद रहे उनने 10 साल में कोई काम नहीं करवाया है। उनके पास कोई काम लेके जाओ तो बिल्कुल मना होती है। क्लियर बात यह है, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं होता। इस वार्ड क्रमांक 30 में जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें जिला अध्यक्ष विधायक और पूरे पार्टी के लोगों ने पूरी दम के साथ प्रचार किया, तो वहीं निर्दलीय हेमलता सितारा ने भी अपनी जो शक्ति यहाँ पर दिखाई है, इसके कारण भाजपा कहीं ना कहीं इस चुनाव को जीतना चाहती है। और एक पूरी ताकत के साथ जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी, तो अब देखना है कि क्या इस चुनाव का नतीजा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।